तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोगो किडनैप हो जाता है और डार्क साइड के पैराडीमस उसे प्लैनेट एपोकैलिप्स से पहुंचा देते हैं। आज हम जानेंगे कि गोगो को किडनैप किसने किया गया था और दरअसल उसे किडनैप किसने किया है। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारी की सारी मांगा सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू को लेकर पैराडीमस किसी के पास जाते हैं, पर ये डार्क साइड नहीं है, ये है ग्रैनी गुडनेस, जो कि डार्क साइड की ही एक ल्यूटेनेंट है। ये सारा ग्रैनी गुडनेस का ही प्लान था। ग्रैनी गुडनेस पैराडीमस से बोलती है कि मैं तुमसे काफ़ी खुश हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोग इसे यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के ले आए। पैराडीमस इस बात से खुश होने लग जाते हैं। तभी ग्रैनी गुडनेस बोलती है कि इसे जल्दी से मेरे रूम में लेके चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि ये इतनी जल्दी जाग जाए। पैराडीमस गोकू को वहाँ से खींच कर ले जाने लगते हैं। ग्रैनी गुडनेस अपने मन में बोलती है कि लॉर्ड डार्कसाइड इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लॉर्ड डार्कसाइड के काम आ सकता है। हो सकता है इसके पास वो हो जो लॉर्ड डार्कसाइड काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, यानी कि द एंटी लाइफ इक्वेशन। एंटी लाइफ इक्वेशन एक तरीके की थ्योरी है जिसे डार्कसाइड काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहा है। इससे वो प्रूव कर सकता है कि फ्री विल बेकार है और उसके ज़रिए वो दूसरों को डोमिनेट कर सकता है। ये एक तरीके से बहुत ही पावरफुल वेपन है जो डार्कसाइड के हाथों में नहीं लगना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ग्रैनी गुडनेस डार्कसाइड के रूम में जा रही होती है। वहाँ जाते ही वो डार्कसाइड के सामने बाव करती है। वो बोलती है कि माय लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया। डार्कसाइड बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम हमारे नए गेस्ट के साथ क्या कर रही हो। ग्रैनी गुडनेस डार्कसाइड को बताती है कि हमें अभी अच्छी तरीके से नहीं पता कि उसकी ताकतें कैसे काम करती हैं, और उसकी अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करने के लिए और समझने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि गोकू को टॉर्चर किया जा रहा होता है। ग्रैनी गुडनेस बोलती है कि सबसे पहले हम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम उसे इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम देखते हैं कि गोकू दर्द से कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इतने दर्द की वजह से पैरालाइज हो गया हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है। ग्रैनी गुडनेस डार्क साइड को बोलती है कि एक बारी हम उसे कंट्रोल कर लें, उसके बाद वो हमारा बेस्ट सोल्जर बन जाएगा। डार्क साइड बोलता है कि बेस्ट सोल्जर? डार्क साइड एकदम से गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है, पर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि उसके पास एंटी लाइफ इक्वेशन है। ग्रैनी गुडनेस बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि माय लॉर्ड, आप सही बोल रहे हैं, पर रिसर्च के बाद पता चला कि मैं गलत थी। उसके पास एंटी लाइफ इक्वेशन नहीं है, पर उसकी ताकतें ही इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ऐसा लगा। पर ग्रैनी गुडनेस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि डार्क साइड उसे तभी के तभी मार देता है और डार्क साइड के अटैक के बाद कुछ भी नहीं बचता। डार्क साइड बोलता है, ग्रैनी गुडनेस, मैं तुम्हारे और ज़्यादा फेलियर्स को सहन नहीं कर सकता। कोई भी मुझे दो बार डिसअपॉइंट करके ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके बाद हम धरती पर पहुँच जाते हैं और बैट केव को देखते हैं। हम देखते हैं कि सुपरमैन बैटमैन से मिलने आया है और सुपरमैन बैटमैन से बोलता है कि बैटमैन, मेरे पास उसके ब्लड का सैंपल है और उसका डीएनए काफ़ी कुछ ह्यूमंस की तरह है, पर एक बात तो कंफर्म है कि वो धरती से नहीं है। बैटमैन बोलता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन से अब मैं और ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता। इसके बाद बैटमैन गोकू के ब्लड को देखने लग जाता है। सुपरमैन बोलता है कि हमें उसे रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर उसे सच में डार्कसाइड ने किडनैप किया है तो मुझे विश्वास है कि उसने अपने मजे के लिए उसे किडनैप नहीं किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि डार्कसाइड धरती पर हमले के बारे में सोच रहा होगा। बैटमैन बोलता है कि इसके चांस बहुत ज़्यादा है कि वो धरती पर ज़्यादा लंबे समय से नहीं है और कुछ ही समय पहले धरती पर पहुंचा होगा। हो सकता है वो धरती पर तभी पहुंचा हो जब पैरासाइट की रॉबी चल रही थी। तो अब असली क्वेश्चन ये है कि डार्कसाइड को उसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। सुपरमैन बोलता है कि लगता है मुझे इसका आंसर पता है। जब मैंने उसके साथ फाइट करी थी तो वो मुझे ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पाया था, पर हमें ये नहीं पता कि पैरासाइट ने उसकी कितनी ताकतों को एब्जॉर्ब कर लिया था। पर उस बात से भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस शख्स के पास एक एबिलिटी है जिससे वो बहुत ही ताकतवर बीम्स को शूट कर सकता है, और उसी बीम से उसने पैरासाइट को भी मारा था। बैटमैन बोलता है कि हाँ, मैंने उसे देखा था, वो काफ़ी ताकतवर बीम थी। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा ताकतवर थी। बैटमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उसने बीम को आसमान की तरफ शूट किया था। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो कुछ ही देर में धरती से बाहर चला गया था और कुछ ही देर के अंदर वो स्पेस तक पहुँच गया था, जिसके बाद वो फट गया। किसी और को उस एक्सप्लोजन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, पर मैंने उसे नोट कर लिया था। और मेरा विश्वास मानो कि अगर उस एक्सप्लोजन ने धरती को छू दिया होता तो हम दोनों यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते। बैटमैन बोलता है कि लगता है डार्कसाइड ने भी उस एक्सप्लोजन को नोट कर लिया होगा
और उसने उसके ऊपर ट्रैक किया होगा कि वो एक्सप्लोजन कहाँ से आया था, और हो सकता है इसी वजह से इतनी जल्दी वो शख्स को ढूंढ पाया हो। सुपरमैन बोलता है कि डार्क साइड ने उस तक पहुंचने के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया और मेरे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में भी घुस आया। कौन सोच सकता है कि अब वो शख्स की ताकतों के साथ क्या करेगा। बैटमैन बोलता है कि एक बात तो पक्की है कि धरती बहुत ही बड़े खतरे में है। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब है, पूरा का पूरा यूनिवर्स खतरे में है। करीब 7 दिन बीत जाते हैं और किंग काई अपने प्लैनेट पर परेशान हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू आखिर कहाँ है, 7 दिन बीत चुके हैं और वो अभी तक वापस भी नहीं आया। उसे काफ़ी समय पहले वापस आ जाना चाहिए था, उसकी फाइट बहुत पहले ही ख़त्म होनी चाहिए थी, और मुझे पता भी नहीं है कि वो अब कहाँ पर है। मैं बहुत ही बड़ी दिक्कत में पड़ने वाला हूँ। इसके बाद हम वापस DC यूनिवर्स में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सुपरमैन वापस बैट केव में आता है। वो बोलता है, बैटमैन तुमने मुझे बुलाया। बैटमैन कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ, मुझे ज़ेनिथ सिटी से काफ़ी ज़्यादा अजीब से सिग्नल्स आ रहे हैं। ये फ्रिक्वेंसी उसी की तरह है जो डार्क साइड के टेलीपोर्टेशन बूम ट्यूब की होती है। तभी एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और बैटमैन और सुपरमैन दोनों हैरान रह जाते हैं। सुपरमैन बोलता है कि ये क्या था। बैटमैन बोलता है कि लगता है पास में ही बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। हम देखते हैं कि ज़ेनिथ सिटी के पास एक हेलीकॉप्टर होता है। ये एक न्यूज़ हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर लुईस लेन है। लुईस लेन का साथी जिमी बोलता है कि मिस लेन, आपको क्या लगता है कि इसके क्या चांसेस थे कि एक्सप्लोजन के वक्त हम यहाँ पर थे। लुईस लेन बोलती है कि बहुत ज़्यादा जिमी। सुपरमैन बैटमैन की केव में इस न्यूज़ को देखने लग जाता है और उन लोगों को पता चलता है कि ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एक न्यूज़ एंकर बोलता है कि डेली प्लैनेट का एक हेलीकॉप्टर वहीं पर था और लुईस लेन वहीं पर जा रही हैं। वो हमारे को इस सिचुएशन के बारे में हर चीज़ बताएंगी कि ज़ेनिथ सिटी में इस वक्त क्या चल रहा है, आखिर इतने बड़े एक्सप्लोजन के लिए कौन जिम्मेदार है। लुईस लेन बोलते हैं कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ज़ेनिथ सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सुपरमैन और बैटमैन बोलते हैं कि क्या। सुपरमैन बोलते हैं कि पूरी की पूरी सिटी। लुईस लेन बोलती है कि एक ग्राउंड जहाँ पर राख ही राख है, ज़ेनिथ सिटी में अब बस इतना ही बचा है और मुझे कोई सर्वाइवर भी नहीं दिख रहा है। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैटमैन बिल्कुल शांत खड़ा होता है और सुपरमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से बैट केव से बाहर निकलता है। बैटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं रोक पाता। बैटमैन बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ। वो इकलौता है जो उस शख्स को रोक सकता है और सुपरमैन वहाँ पर बिना किसी प्लान के चला गया। इसके बाद बैटमैन कुछ सोचता है और गोकू के ब्लड को देखने लग जाता है जो सुपरमैन ने उसे दिया था। इसके बाद हम वापस ज़ेनिथ सिटी पे पहुँचते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना हुआ होता है। तभी रिपोर्टर्स को कुछ दिखता है और वो उसे देख के काफ़ी हैरान होते हैं। ज़ेनिथ सिटी के बीच में कोई शख्स खड़ा था। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं गोकू होता है और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो अलग है। जिमी बोलता है कि मैं इसे पहचानता हूँ, ये शख्स तो वही है जिसने पैरासाइट को मारा था। गोकू के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा इवल एक्सप्रेशन होते हैं और वो उस हेलीकॉप्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। रिपोर्टर्स इस चीज़ को देख के बिल्कुल डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। गोकू बिना किसी रहम के उस हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाला होता है और एक पंच मार के उसे तबाह करने वाला होता है। पर तभी वहाँ सुपरमैन पहुँच जाता है। वो गोकू को रोक लेता है। वो बोलता है उस हेलीकॉप्टर को छूने की हिम्मत भी मत करना। सुपरमैन के इस अटैक से गोकू को काफ़ी चोट लगती है और वो ज़मीन से जाकर टकरा जाता है। रिपोर्टर सुपरमैन को देख के काफ़ी खुश होते हैं, स्पेशली लुईस लेन जो कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड है। सुपरमैन उस हेलीकॉप्टर में रिपोर्टर से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लुईस लेन सुपरमैन को समझाने की कोशिश करती है पर सुपरमैन बोलता है कि जो मैंने कहा वो करो। लुईस लेन ने सुपरमैन के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी नहीं देखा। वो वहाँ से जाने लग जाती है। वो बोलती है कि सुपरमैन को मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सुपरमैन के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा डर है। आखिरकार वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है और गोकू गड्ढे में उठता है। वो सुपरमैन की तरफ देख रहा होता है और स्माइल करता है। सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है पर इसके बावजूद भी वो गड्ढे में उतरता है। गोकू बोलता है कि तुम ज़रूर सुपरमैन होगी, लॉर्ड डार्कसाइड ने मुझे बताया था कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी। सुपरमैन बोलता है, डार्कसाइड। सुपरमैन इस शख्स की ताकत को ऑलरेडी समझ गया था और अब सुपरमैन ये भी जानता है कि डार्कसाइड ने गोकू को कंट्रोल कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि उसकी ताकतें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सुपरमैन बोलता है कि तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें डार्कसाइड कंट्रोल कर रहा है, उसने तुम्हें ब्रेन वॉश कर रखा है। गोकू बोलता है, ब्रेन वॉश। सुपरमैन बोलता है, हाँ, तुम्हें उससे लड़ना होगा। इसके बाद गोकू के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। सुपरमैन बोलता है, हाँ, इसी तरीके से तुम्हें उससे लड़ना होगा, मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है तो मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी दर्दनाक है। अचानक से ही गोकू के सर में और ज़्यादा तेज़ी से दर्द होने लग जाता है। सुपरमैन बोलता है कि क्या उसने काम किया, क्या ये ठीक हो चुका है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मेरा नाम है सन गोकू और मैं हूँ कमांडर ऑफ एपोकैलिप्स आर्मी और लॉर्ड डार्कसाइड मेरे मास्टर हैं। सुपरमैन का प्लान फेल हो चुका है क्योंकि गोकू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब देखना यह है कि सुपरमैन गोकू को वापस लाने के लिए क्या करता है। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है।
मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है वो कमेंट बॉक्स में जाके #GokuVS Superman ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोगों को स्टोरी सच में पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमी और दूसरे एनिमेस के भी फैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CVG Anime को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता हूँ, तो जाइए और वहाँ की वीडियोज़ को भी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।